हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कैम पर। आज की क्लास के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर हमारा चला हुआ था उसका एंड हमारा ये लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर हम कुछ साल्ट्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आज हमें करना क्या है। आज हम कुछ हाइड्रेटेड साल्ट्स के बारे में बातें करेंगे। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे साल्ट्स के बारे में जो हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब जिनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, वो साल्ट्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमें बातें करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं डिटेल में, जिसे वाशिंग सोडा बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है जो हमारा। तो Na2CO3 10H2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जुड़े हुए हैं। एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको इनके बारे में बताई थी कि जिसके साथ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उसको बोला जाता है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है जिस भी साल्ट के साथ। याद रहे, हाइड्रेटेड साल्ट के साथ हमेशा आपको वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और एक और चीज, जिसके भी साथ वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे, ज्यादातर उसका कोई ना कोई कलर होगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके कितने होंगे? जिसके साथ जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, पानी के जितने अणु जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उतने ही उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इसकी बात करनी है तो 10 होंगे। सीधा सीधा आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये आपको फॉर्मूला दे दिया और बोल दिया कि भाई इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए। आपको सिंपली नाम या फिर कॉमन नाम उसका दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको बोला जाएगा कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं। इसका कॉमन नेम आपको पता है, वाशिंग सोडा होता है। दूसरा है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O, और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एप्सम साल्ट। नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो तो 7 होते हैं। कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम पढ़ चुके हैं हम इस चैप्टर के अंदर, CaSO4 2H2O, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 होते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है नेचर में, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CuSO4 5H2O, और इसका कॉमन नेम है हमारा ब्लू विट्रोल। फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O, और इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्रीन विट्रोल। ये कुछ ऐसे कंपाउंड थे, कुछ ऐसे साल्ट थे जो हाइड्रेटेड साल्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हमें जो आगे बात करनी है वो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में करनी है। तीन प्रॉपर्टी इनकी मेन है। कौन सी है वो तीन प्रॉपर्टी? सबसे पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है एफ्लोरसेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है फूलने के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, फूलना। देखिए क्या होता है, जब भी किसी साल्ट को हम एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर कहें एयर में एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज्ड इन एयर, तो उस सिचुएशन में अगर वो अपने वाटर के मॉलिक्यूल खो देता है, सिंपली क्या कहेंगे हम कि नॉर्मली टेम्परेचर पर एयर में एक्सपोज करने पर अगर कोई अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उस प्रोसेस को बोला जाता है एफ्लोरसेंस, और ये जो साल्ट होते हैं ऐसे उनको बोला जाता है एफ्लोरसेंट साल्ट्स। एफ्लोरसेंट साल्ट्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल हमारा वाशिंग सोडा हो गया, एप्सम साल्ट हो गया, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी का नाम है डेलिक्विसेंस। डेलिक्विसेंस जिसे हिंदी में बोला जाता है विलक्षणता। ये एफ्लोरसेंस की ठीक अपोजिट है।
एयर में एक्सपोज करने पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने पर, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल एयर से एब्जॉर्ब कर ले, अगर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, देखिए अगली एक और प्रॉपर्टी है साथ के साथ लेके चलते हैं, जिसे बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपी, हाइग्रोस्कोपी और डेलिक्वेसेंस दोनों के अंदर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि एयर के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे दोनों के केस में, दोनों के ही केस में वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए जाएंगे एयर से। तो बात ये आती है डिफरेंस कहां है, फिर डिफरेंस ये है कि डेलिक्वेसेंस के केस में वाटर के साथ मिलकर वो उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा वो साल्ट, लेकिन यहां पर ऐसा कोई डिजोल्यूशन नहीं बनेगा, कोई डिजोल्व नहीं होगा, नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होगा यहां पर, डिजोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो NaOH है या KOH है, ये इसके एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं डेलिक्वेसेंस के अंदर। हाइग्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो हाइग्रोस्कोपी के अंदर हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं वो क्विक लाइन हो गया, जिसके बारे में आपको मैंने चैप्टर के अंदर वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी हाइग्रोस्कोपी की कैटेगरी में आता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आज हमने क्या देखा, कुछ साल्ट्स के बारे में, इसके अलावा उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, चाहे आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाए, आपसे फ्लोरेसेंस पूछा जाए, डेलिक्वेसेंस पूछा जाए, या फिर हाइग्रोस्कोपी पूछी जाए, तीनों के ही सिचुएशन में आपको डेफिनेशन याद रखनी है, क्या होते हैं फ्लोरेसेंस, क्या होती है फ्लोरेसेंट साल्ट्स, क्या होते हैं डेलिक्वेसेंस, क्या होती है डेलिक्वेसेंट साल्ट्स, क्या होते हैं, या हाइग्रोस्कोपी क्या होती है या हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।